नमस्कार। आज प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बाद मध्य विद्यालय पाथुरिया के बच्चे अपने स्वास्थ्य को सुंदर एवं सबल बनाए रखने के लिए प्रातःकाल एक्सरसाइज में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे एक्टिवली काम कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वो खुद ब खुद अपने आप को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रख सके, है ना। तो बच्चे आप अपने कमेंट को बढ़िया से देखिए और कमेंट के हर एक सेक्शन को फॉलो कीजिए कि आपको कैसे करना है ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोग बना रह सके, बने रहेंगे। सभी बच्चे में उत्साह और लगन काफ़ी है इस मॉर्निंग एक्सरसाइज को लेकर के, और हमारे एज ए पीटी टीचर के तौर पर शंकर सर बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चों को अपना टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ एवं निरोग बने रह सकते हैं, है ना। शंकर सर जी को हार्दिक बधाई इस एक्सरसाइज मॉर्निंग एक्सरसाइज में। ये प्रत्येक शनिवार को हमारे विद्यालय में इस तरह का आयोजन रहता है। मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चे थोड़े इसमें 10-15 मिनट की सक्रिय भागीदारी रखते हैं। कमेंट को ठीक से फॉलो कीजिए, जो भी कमांड दिया जा रहा है उस कमांड के मुताबिक आप अपने आप को ये कीजिए, व्यवस्थित कीजिए ताकि स्वास्थ्य ही जीवन है। हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ। इसमें बाकी हमारे निरंजन सर भी हैं, हमारे प्रधान शिक्षक महोदय भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सारे चीज़ों को कि बच्चे किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आप अपने ध्यान और लगन से कीजिए बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चों को वेल डन, शाबाश, इसी तरह करते रहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ तन मन और आत्मा का निवास होता है बच्चों। चलिए योगा भवती दुखहा, ठीक है, बहुत अच्छा। निरंजन सर इसका विश्लेषण भी थोड़ा हम बच्चों को बता दीजिए। योग से ही आपका आप निरोग रहेंगे, इसलिए मन लगातार कीजिए और नियमित कीजिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को रेगुलरिटीज नहीं करेंगे तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो इसलिए आपको रेगुलरिटीज बनाए रखना बच्चों, है ना। वाह, बहुत अति सुंदर, सावधानी और सुरक्षा के साथ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।